थैंक यू फॉर ऑल। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, काफी लंबे टाइम से सिस्टम से बाहर था। बाहर बोले तो कुछ चीजें हो जाती हैं, चलती रहती हैं, क्योंकि आदमी दो नाव में जब सवार होता है तो डूबता ही डूबता है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुओं की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, डूबा नहीं हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि डूबा नहीं हूँ, सिर्फ मेरे गुरुओं की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। पिछले 1.5 साल से सिस्टम में मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से। लेकिन ओवर द ग्राउंड कर बहुत कुछ रहा हूँ, रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। मैं भी इस सिस्टम से भाग रहा था, कई बार प्लान के लिए साहब आते थे हमारे, तो मैं पतली गली इधर से उधर से निकल जाता था, लेकिन कभी ना कभी तो समझ में आना था। एक बार मुलाकात हमारे महागुरु जी शर्मा सर से करा दी, उन्होंने कोई बात नहीं बोली दी। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, 10 लोग, ये आपका है, बाकी सब मेरा है। हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो भी बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो भी बल्ले बल्ले। उस टाइम काम किया 1 साल लगभग, उसके बाद पोस्टिंग आ गई जेंड के। उन्हीं गुरुओं की वजह से जेंड के में पोस्टेड होने के बाद भी, जहां पर आप बिना 10 लोगों के और व्हीकल और वेपन के बगैर निकल नहीं सकते हो, वहां पे भी मैंने काम किया है। और शायद मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर मैं 60 DD भी निकाली है। फाइनल प्लानिंग में 2 महीने के अंदर 60 DD भी निकाली है और पेमेंट 1 लाख रुपए के आसपास। तो हमारे महान गुरु जी शर्मा सर और हमारे गुरु जी सुशील दा, मुझे MLM की अहम पता नहीं हुआ करती थी। सामान बहुत बढ़िया था, घर में गैस सेफ्टी चाहिए ले लिया, भाई रेडिएशन से बचना है ले लिया, ये तो हमारी नीड थी, जरूरत थी, ले लिया। बैठा के एक बार समझाया ये चीजें हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाया और उठा के स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे आया था चंडीगढ़ के अंदर, मैं मेरा नाम के अलावा कुछ नहीं बोल पाया था, सिर्फ मेरा नाम बता पाया था माइसेल्फ प्लेयर बघेल, इसके अलावा बस सब ब्लॉक हो गया। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता ना, सेम वैसे ही हुआ था मेरे साथ। तो बोलते हैं ना, एक कहानी हमारे गुरु सुनाया करते थे, वो लंबी हो जाएगी, टाइम थोड़ा सा कम है, आगे आने वाले टाइम में जरूर सुना दूंगा। धक्का मार देना, जस्ट वेट कर, सुनाई दूं। ओके, हुआ क्या था, एक कोई राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर होना था, ठीक है। तो बोली कि भाई मैं ऐसा जगह शादी करूंगी जिसमें कुछ हो बंदे में, ऐसे ही आ रहे गए, किसी को पकड़ के नहीं करेंगे, ठीक है। तो काफी लोग आए, राजकुमार बोला ऐसे काम चलेगा नहीं, वो तो मैं महाराज के साथ कराने चक्कर में था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब था, उसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ दिए, पानी वाले जो खतरनाक जानवर होते हैं वो छोड़ दिए। बोला इस तालाब को पार करके, दूसरी तरफ बैठा दिया राजकुमारी को, इस तालाब को पार करके जो वहां पहुंच जाएगा राजकुमारी उसकी। बड़े बड़े 30 मार खान आए, जैसे ही देखा कि उसमें तो बहुत सारे मगरमच्छ पड़े हैं, एक छोड़ेगा दूसरा पकड़ लेगा, तीसरा पकड़ लेगा, सेकंड नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा। हिम्मत कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं गया, तो कूदे भी तो रास्ते में काम खत्म। भीड़ बहुत लग गई थी, कौन करेगा कौन करेगा। तो मेरे जैसा कोई खड़ा था कमजोर मरीजला आदमी, तो भीड़ भीड़ में धक्का लग गया उसको गलती से, बेचारा पानी के अंदर। अब पानी के अंदर गया, बोला मरो या करो, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो जी मतलब जान बचाने के लिए कौन नहीं भागेगा, पूरा जान लगा दिया और जैसे तैसे करते करते पार हो गया, पार हो गया, पहुंच गया। था तो उसके पास नहीं, राजकुमार था, एक नॉर्मल सा आदमी था, पार हो गया। पूछा उसका इंटरव्यू, मीडिया वगैरह सारे आ गए, भाई इतना बड़ा काम बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए, तू कैसे कर गया। बोला वो छोड़ो, पहले बताओ धक्का किसने मारा था। तो वो कहानी मेरे साथ हुई, तो मैं भी बच बच के भाग रहा था, पकड़ के फेंक दिया हमारे गुरुजी सुशील साहब ने। तो तब से लेके ऐसा चस्का लगा स्टेज का, जब भी मौका मिलता मैं छोड़ता नहीं हूँ। ये सिर्फ मेहरबानी हमारे गुरुजी लोगों की है। और मैं चाहूंगा कि MLM में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, बी सीरियस, अगर आप MLM में सक्सेस होना चाहते हो, माइक और स्टेज इससे मोहब्बत कर लो। जिस दिन मोहब्बत कर ली, सक्सेस होना शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। 100% सक्सेस हो जाओ, क्योंकि गुरुओं का साथ तो ऑलरेडी आपके साथ है। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे एंजॉय के साथ साथ सीखिए जितना मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेशन से लोग आए हुए हैं और सबके पास अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ 5 दिन के अंदर शायद 500 दिन से ज्यादा का नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं,
हम चाहें तो। अब घड़ा अगर उल्टा है तो फिर मुश्किल है, तो जिसका उल्टा है सीधा कर लीजिए। तो थैंक यू हमारे गुरुजी एंड सभी को, नमस्कार। थैंक यू सर।